ये समझा था। तो हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट समझ चुके हैं। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बोलता है कि कानून की नजरों में कंपनी अलग है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी के नाम पे केस किया जा सकता है, और कंपनी भी किसी और पे अगर केस करेगी तो अपने नाम पर। मुझे केस करना है रिलायंस कंपनी, तो क्या मुकेश अंबानी में करती हूँ क्या? नहीं, किस में करती हूँ? कंपनी के नाम पे। कंपनी को अगर मुझसे दिक्कत है तो कंपनी मुझ पर केस करिए, मुकेश अंबानी नहीं करेगा। रिलायंस कंपनी ने केस किया है मुझ पर, तो ऐसी बातें की जाती है। ठीक है, डन, चलिए। कंसेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये चीजें तो हमें पता है। चलिए, आज जो नया कंसेप्ट हम समझने वाले हैं, दैट वॉज लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। अब ये लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है समझेंगे। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी की बात हो रही है, कॉर्पोरेट मतलब किसकी बात हो रही है? कंपनी की बात हो रही है। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं सेपरेट एंटिटी होती है, इन दोनों के बीच में एक दीवार है, एक पर्दा है, एक कर्टन है। ठीक है, एक पर्दा है, एक कर्टन है। शेयरहोल्डर अलग है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रिलायंस कंपनी का, रिलायंस कंपनी अलग है और मुकेश अंबानी अलग है। मुकेश अंबानी कौन है? शेयरहोल्डर है। ठीक है, और ये कॉर्पोरेशन है, ये कंपनी है। ये कह रहे हैं कि कंपनी के बीच में एक दीवार है, अगर यहां से कोई लाइबिलिटी आती है, कंपनी की अगर लाइबिलिटी आती है, तो यहाँ पे दीवार है, लाइबिलिटी टकराएगी और वापस कंपनी की तरफ चले जाएगी। दैट मीन्स कि अगर बैंक को है ना, उनकी उधारी वापस चाहिए तो किसे मांगेगी? कंपनी से मांगे। उधार किसको दिया था? जब उधार कंपनी को दिया था तो वापस क्या करेगी? कंपनी के पास जाएगी। ठीक है, शेयरहोल्डर के पास नहीं। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, रिलायंस कंपनी ने बैंक से लोन लिया, तो बैंक किसके पास जा रही है? रिलायंस कंपनी के पास। क्या मुझको पकड़ के बोलेगी भैया लोन की रिकवरी हो रही है? नहीं भाई, क्योंकि भाई शेयरहोल्डर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। तो लाइबिलिटी अगर किसी भी कॉर्पोरेशन की, किसी भी कंपनी की आएगी, तो बीच में एक दीवार है, इस दीवार से टकराएगी और वापस क्या हो जाएगी? कंपनी की तरफ मुड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? पक्का। द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेट आइडेंटिटी इज रिगार्ड एज अ कर्टन। कर्टन बोलो, देखो अलग अलग टर्म यूज कर सकते हैं। इस बीच को मैं दीवार बोल सकती हूँ, या फिर मैं इसे कर्टन बोल सकती हूँ, या फिर मैं इसे क्या बोल सकती हूँ? व्हील बोल सकती हूँ, या फिर इसे क्या बोल सकती हूँ? शील्ड। एक शील्ड है। बीच में दीवार बोलो, पर्दा बोलो, शील्ड बोलो, वट एवर यू वॉन्ट, जो बोलना है आपको वो बोल सकते हो। तो कॉर्पोरेट व्हील, अगर मैं आपको बोलूँ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब क्या? कंपनी। और व्हील मतलब क्या हो गया? ये बीच की दीवार, कॉर्पोरेट व्हील बोल सकती हूँ। कंपनी और शेयरहोल्डर के बीच की जो दीवार होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील समझ में आ गया? वापस, कंपनी और शेयरहोल्डर के बीच की जो दीवार होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट व्हील। डन। चलो, अब ये हमारी कॉर्पोरेट व्हील है, ये हमारी कॉर्पोरेट व्हील है। कॉर्पोरेट व्हील है इसलिए दोनों अलग है, बीच में दीवार है इसलिए दोनों अलग है। चलो इस दीवार को हटाएं, चलो इस दीवार को हटाएं। डायग्राम दिख रहा है? ये जजेस है, दीवार को हटा रहे, इस कर्टन को, इस पर्दा को हटा रहे। मुझे बताओ, कंपनी इंसान है या आर्टिफिशियल बॉडी है? हम कह रहे हैं बैंक से लोन किसने लिया? कंपनी ने। ठीक है, वापस नहीं चुकाया, वापस नहीं चुकाया। भाई ये कंपनी में बैठे कौन लोग हैं जो अपना दिमाग यूज कर रहे हैं? कंपनी का खुद का कोई दिमाग है क्या? कंपनी का कोई खुद का दिमाग है क्या? नहीं। मतलब इसे चलाने वाले, इसको चलाने वाले क्या है? गड़बड़ है। ये बात समझ में आ रही है? हम कह रहे हैं कंपनी अलग है, शोल्डर अलग है, लेकिन जो शोल्डर था मुकेश अंबानी, ये जो शोल्डर था मुकेश अंबानी, उसने दिमाग लगाया। उसने क्या दिमाग लगाया? कि चलो एक काम करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं और चुकाएंगे नहीं, क्योंकि भाई ये चुकाना किसको पड़ेगा? रिलायंस कंपनी को, मुझे थोड़ा चुकाना है। लेकिन दिमाग किसका यूज हो रहा है? दिमाग किसका यूज हो रहा है? अंबानी का यूज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जनरल रूल ये है कि कंपनी अलग है और शोल्डर अलग, लेकिन अगर फ्रॉड होगा, लेकिन अगर चीटिंग होगा, कुछ भी फॉर्ज होगा, तो इन शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इस दीवार को बीच से हटा देंगे, हम मानेंगे दोनों एक ही है। अभी तक हम क्या समझ रहे थे? दो अलग लोग हैं, कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। लेकिन अगर फ्रॉड चीटिंग कुछ भी होता है, ये इन्वेस्टिगेट करके हमें पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हम बीच का पर्दा हटा देंगे और अब हम मानेंगे दोनों एक है। मान लो अगर ये बीच का पर्दा हट जाता है, तो कंपनी की जो लाइबिलिटी होगी, किसकी लाइबिलिटी बन जाएगी? शेयरहोल्डर की लाइबिलिटी। क्या सारे शेयरहोल्डर की होगी? नहीं। मुकेश अंबानी भी वो शेयरहोल्डर हूँ, मैं भी वो शेयरहोल्डर हूँ। रिलायंस कंपनी के शेयर्स दोनों ने ले रखे, मैंने भी और उन्होंने भी। भाई पता लगाया जाएगा ना इन्वेस्टिगेशन में, तो यही तो पता लगाया जा रहा है कि किसने अपना दिमाग यूज़ किया, किसने वो फ्रॉड किया। भाई अंबानी ने क्या? अंबानी को पकड़ेंगे, वो लोन पे करेगा। क्या मैं करूँगी क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इन शॉर्ट, लिफ्टिंग मतलब क्या? उठाना। क्या उठाना? कॉर्पोरेट व्हील।
ठीक है। तो इन शॉर्ट कॉर्पोरेट व्हील मतलब क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है ये बताती है बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इलीगल और फ्रॉडुलेंट, क्योंकि ये कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है, कोई इंसान तो है नहीं, इसका खुद का तो कोई ब्रेन है नहीं। ब्रेन कौन है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है। ब्रेन कौन है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि भैया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है, जो लोग भी है उन्हें पकड़ कर फिर हम बोलेंगे भैया अब जो कुछ भी कंपनी की लाइबिलिटी है वो अब आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। कोई एक भी पैसा ज्यादा मांग सकता है क्या, नहीं। लेकिन अब मांगा जा सकता है, कब, अगर क्या हो जाएगी, कॉर्पोरेट विल क्या हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। देर इज नीड टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु आर द रियली गिल्टी। गिल्टी मतलब वो कौन है महान इंसान जो जो क्या कर रहा है, अपना ब्रेन यूज कर रहा है और ये प्लानिंग प्लॉटिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने का सोच रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो कॉर्पोरेट विल आपको क्या बोलता है, दो लोग अलग हैं, कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है, और जब हम इसे लिफ्ट कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आपकी बुक में आएंगे, बुक का कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ठीक है। चलिए, अ कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट इट्स ओन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या वो खुद से कुछ कर सकती है, बिल्कुल नहीं। इट कैन ओनली एक्ट थ्रू द नेचुरल पर्सन। वो कैसे काम करती है, नेचुरल पर्सन। भाई रिलायंस कंपनी खुद ब खुद नहीं चल रहा है, उसे चलाने वाले लोग बैठे हैं, इंसान बैठे हैं, अंबानी बैठे हैं और जो भी टीम बैठी है उनकी, ठीक है। चलिए अब एग्जाम में ना अलग अलग टर्म से चीजें पूछी जा सकती है, या तो बोला जाएगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब क्या, वो जो कॉर्पोरेट विल जो सेपरेट करने वाली जो दीवार थी उसे उठा दिया। दूसरा क्या लिखा है, पेयरसिंग, है ना, गर्ल्स पेयरसिंग करते हैं ना, ठीक है, छेद करना। तो क्या कह रहे, दीवार में हम क्या कर रहे हैं, दीवार में हम क्या कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं और देख रहे हैं दीवार के उस पार कि कौन है वो गलत इंसान, ठीक है, कौन है वो जिसने ये गलत किया है। तो पियर्सिंग थ्रू दी कॉर्पोरेट विल, या तो उस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करो, उठा दो, या तो उस दीवार में छेद करो और दीवार के उस पार देखो कि क्या हो रहा है, कौन है वो गिल्टी पर्सन, कौन है वो नालायक जिसने गलत हरकत करी है। बात समझ में आ गई, पक्का। चले नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये वही कंसेप्ट समझा रहा है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, सेपरेट पर्सनालिटी है, जनरल रूल, एक्सेप्शन, सेपरेट पर्सनालिटी नहीं होगी जब कोई भी गलत करता हुआ पाया जाएगा। चलिए, फ्रॉम इट्स मेंबर ये अलग है, बट सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी, स्टैचुरी प्रिविलेज। हर कोई इसे क्या कर सकता है, प्रिविलेज की तरह यूज कर सकता है कि चलो धोखा देते हैं, हमसे तो कोई पैसा मांगेगा नहीं, कंपनी से मांगेगा, तो कोई भी इसे अगर ऐसा यूज करेगा तो हम भूल जाएंगे। तो फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट यूज अगर कोई इसे करेगा तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी इसको एज अ शेल्टर यूज नहीं कर सकता, एज अ दीवार यूज नहीं कर सकता। आप सीएस बन गए, कंसल्टेंसी दे रहे, तो चलो एक काम करते हैं, कंपनी बनाओ, कंपनी को लोन तो आसानी से मिल जाएगा, और चुकाएगा कौन, कंपनी चुकाएगा, कौन, कंपनी। लोग इसे ऐसे ही यूज करने लगे थे कि भाई कंपनी चुकाएगा, आपके सर पे तो बात आएगी ही नहीं, लेकिन नहीं, इस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और राइट पर्सन को ढूंढा जाएगा जिसने ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे सारे कंसेप्ट यही बोल रहे हैं, और एग्जाम्पल देखे उन्होंने क्या बताया है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, कैसे याद आ रहा होगा आपको। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है किन किन सिचुएशन में इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ए बी सी डी पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, सबसे पहला वाला पॉइंट रीड करेंगे फटाफट, सबसे पहला वाला पॉइंट रीड करेंगे, मार्क करो उसमें फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, मार्क करो। चलो बताओ, हम पूरी लिस्ट पढ़ रहे हैं, कब कब आपकी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो जाएगी। पहला कब हो जाएगा, जब कुछ फ्रॉड होगा, या फिर क्या होगा बच्चा, इम्प्रॉपर कंडक्ट, कुछ गलत काम होगा, इन शॉर्ट एकदम सरल भाषा में अगर बोले तो, ठीक है। वापस हम ए बी सी डी एफ जी एच ये पूरे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको क्या बताते हैं, कब कब आपको हम एक मानेंगे, कब मानेंगे, जब कंपनी में क्या होगा, कुछ फ्रॉड होगा या फिर कुछ इम्प्रॉपर कंडक्ट, मतलब गलत काम ही हो रहा है, इलीगल हो रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, फसाद मतलब क्या होता है, मुखौटा पहना है, व्हाट यू मीन बाय मुखौटा पहना है, मास्क पहना है, मास्क पहना है मतलब क्या, कंपनी का मास्क पहना है कि हम तो कंपनी है, और दिमाग किसका लग रहा है, मुखौटे के पीछे जो इंसान है उसका। तो पहला पॉइंट अगर फ्रॉड होगा, दूसरा अगर आप मास्क पहन के काम कर रहे हो, वो मास्क कंपनी का पहन के आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हो गलत कामों के लिए, तो यस हम मान लेंगे कि कंपनी अलग और मेंबर अलग नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है,
हम कंपनी बनाकर कुछ गलत काम कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी में पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो भाई हमने कंपनी बनाकर ये गलत काम करवाया तो लगेगा कि भाई ये गलत कौन कर रही है, कंपनी कर रही है, कंपनी में ब्लेम आ जाता है, यार ये कंपनी ना केमिकल बना रही है, हैजार्डियस प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन कंपनी नहीं बना रही है, कंपनी के पीछे एक इंसान है जिसका ये ब्रेन यूज हो रहा है। तो इन शॉर्ट वहां उन्होंने बोल दिया तब हम कंपनी नहीं आप ही को पकड़ने वाले हैं, क्योंकि कंपनी को थोड़ा ना जेल भेज सकते, कंपनी कहाँ से जेल जाएगी, ठीक है, और चक्की कैसे पीसेगी फिर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, कंपनी हैविंग क्या लिखा है, एनिमी कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एनिमी कैरेक्टर कौन होते हैं, ये एनिमी जरा बताओ मुझे, दुश्मन विलन, ठीक है। चलिए मान लो पाकिस्तान से हमारी वॉर या फिर चाइना से हमारी वॉर, चाइना से करते हैं चलो, ठीक है, ये पाकिस्तान तो अब है ना छोटा हो गया, थोड़ा बराबर वाले से कर रहे, ठीक है, चाइना से वॉर हो गई हमारी, अब चाइनीज कंपनी इंडिया में भरी पड़ी है, ठीक। अब जैसे हम चाइना से अगर वॉर कर रहे तो भाई उस कंपनी को भी उस नज़र से देखेंगे कि ये तो दुश्मन की कंपनी है, देखोगे कि नहीं देखोगे ये बताओ, आता है ना मन में, तो खुद ही देख लो पाकिस्तान का कुछ भी दिखेगा तो आता है ना मन में, तो सेम चाइना को भी लेके जब भी कुछ पंगे होते हैं तो हम वो सारी दुकानें तोड़ने लगते हैं, न्यूज़ में तो देखा ही होगा तुम लोगों ने कि ये चाइनीज प्रोडक्ट बनाते हैं, चाइनीज दुकान है, मारो इस शोरूम को, तोड़ो इस शोरूम को, कुछ दिन के लिए होता है एप्स बैन कर, कुछ दिन के लिए होता है, फिर उसके बाद सब कर रहे होते हैं, है ना, तो कुछ दिन वाली बात है, लेकिन मैं कह रही वॉर छिड़ गई, अब हो ही गई अब तो लड़ाई, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, दुकानें तोड़ देंगे, शोरूम तोड़ देंगे, ठीक है, चलो तोड़ने की बातें नहीं हो रही, लॉ की बात करें, मान लो एक चाइनीज कंपनी है, हम कह रहे कि भाई कंपनी अलग है और उसके शोल्डर अलग है, शोल्डर मतलब पैसा किसका लगा है, चाइनीज का, वो चाइनीज कहाँ है भैया, चाइना में बैठे हैं लेकिन कंपनी यहाँ पर है, लेकिन चलाने वाले कौन है चाइनीज, तो हमें क्या लगेगा, ब्रेन तो उनका यूज हो रहा है ना, तो उस कंपनी को हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम भूल जाएंगे वॉर के टाइम पर, हम भूल जाएंगे कि भाई चाइनीज जो कंपनी है उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है, हम भूल जाएंगे, हम मानेंगे भैया ये दिमाग लगाने वाले वहीं पे चाइना में लोग बैठे हुए हैं, वो इस कंपनी को मिस यूज करेंगे हमारी इंडिया के अगेंस्ट। अब वहां बैठा जो डायरेक्टर है वो बिजनेस चलाने का नहीं सोच रहा है, हम क्या सोचेंगे कि वो क्या कर रहा है, हमारी इंडिया से पंगे लेने का ही सोच रहा होगा, तो हमारे दिमाग में ये सेम, खुद सोचो अगर हमारी कंपनी कहीं चाइना में है तो वो लोग भी क्या करेंगे, हमारी कंपनी को धर लेंगे, वो कहेंगे कि भाई तुम्हारा बैठा जो डायरेक्टर है वो किसके लिए सोच रहा होगा, वो पक्का कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होगा हमारे लोगों से लड़ने के लिए, तो हम भी यही सोचेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम कब भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे कि आपकी सेपरेट आइडेंटिटी है, कब भूल जाएंगे, अगर वॉर हो रही है और उस वॉर जिन कंट्रीज के साथ हो रही है उनकी अगर कंपनीज यहाँ पर है, तो यहाँ अगर कोई चाइनीज कंपनी है तो भूल जाओ, कंपनी अलग है और उनके मेंबर्स अलग है, हमारे लिए वो सेम है, कुछ भी गलत हरकत हुई तो हम किसको पकड़ेंगे, उनके शेयरहोल्डर्स को, मेंबर्स को, वो तो पहले भाग के बैठे होंगे ना चाइना, वहां से प्लानिंग कर रहे होंगे, तो हम क्या कर लेंगे, कंपनी को ही बंद कर देंगे, चलने नहीं देंगे फिर, बात समझ आ रही है, क्योंकि वॉर है, ठीक है। चलिए तो ये लैंडमार्क केस याद रखना, ठीक है, डेलमार्क कंपनी का केस है, इसमें लिखा है कंपनी विल बी रिगार्डेड एज अ हैविंग एनिमी कैरेक्टर इफ द पर्सन हैविंग, ठीक है, अब ये सारे जो टर्म्स है ये थोड़े से लैटिन टर्म्स है, धीरे धीरे ओले ओले से आएगा, तो साफ साफ यहाँ पे इन्होंने लिखा है रेसिडेंट इन एन इकोनॉमिक कंट्री, समझ में आ रहा है बच्चों, हम कब कब सेपरेट आइडेंटिटी आपकी भूल जाएंगे, पहला कब भूल रहे थे, कुछ फ्रॉड हुआ, दूसरा फसाद मतलब आप मास्क पहन रहे हो, ठीक है, चेहरा कंपनी का यूज कर रहे हो लेकिन दिमाग गलत अपना यूज कर रहे हो, ठीक है, दोगलापन, तीसरा पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मतलब कंपनी बनाई है कुछ गलत काम करने के लिए, जनता जनता के लिए कुछ गलत कर रहे हो, देन कंपनी का कैरेक्टर क्या है, वो एनिमी कैरेक्टर है, मतलब जिनसे हमारी वॉर हो गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रशिया और यूक्रेन की बात करूंगी, ठीक है, तो रशिया में जितनी यूक्रेन कंपनीज होगी बंद हो गई होंगी, ठीक है, और यूक्रेन में जितनी रशियन कंपनीज होगी सब बंद हो गई होगी, क्योंकि भैया अब एनिमी कैरेक्टर वाली बात आ गई है, तब तो हम वैसे ही लॉ को तो हम साइड ही कर देंगे ना, तब तो लड़ाई हो रही है भाई। चलिए सोल पर्पस क्या है, इवेट बोले तो चोरी, इवेट बोले तो चोरी, तो टैक्स की चोरी, हमने कंपनी बनाई है ताकि हम क्या कर सके, टैक्स की चोरी कर सके, अक्सर मूवीज में आपने देखा है कि इलीगल गलत काम कहीं और हो रहा होता है और सामने बस अच्छे अच्छे काम दिखा रहे हैं, हम तो ट्रस्ट का काम करें, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ इलीगल धंधा तो चल रहा होता है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे उन्होंने बस बोल रखा है आपने कंपनी बनाई और उसका सोल पर्पस क्या था, टैक्स की चोरी करना, तो अब आप कहोगे कि भैया कंपनी से मांगो टैक्स, नहीं,
कंपनी बनाने वाले का जो ब्रेन है हम उसको पकड़ने वाले हैं, हम भूल जाएंगे कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। टैक्स की चोरी वही करवाना चाहता था इसलिए उसने ये कंपनी बनाई। ठीक है? हाँ बेटा, हाँ यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको ना एक जैसे लगेंगे। मुझे बताओ पहला पहला पॉइंट क्या बोलता है? फ्रॉड। सेकंड पॉइंट भी तो क्या बोलता है? फ्रॉड ही तो कर रहा है, ये बस अलग अलग तरीके से एक ही चीज को एक्सप्लेन करे। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट क्या कर रहे हो? गलती काम कर रहे हो ना। इन जनरल बोलूँ, इन जनरल बोलूँ तो सबका मीनिंग एक है। गलत काम करने के लिए अगर आप देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मीनिंग मैंने आपको क्या समझाया, हम क्या करेंगे कॉर्पोरेट विल को हटा देंगे अगर कुछ गलत काम होगा। अब ये गलत काम के एग्जाम्पल्स दे रहे, गलत काम के क्या ये एग्जाम्पल, और सारे एग्जाम्पल्स रिलेटेड एक दूसरे से, बस डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बता रहे। पहली सिचुएशन क्या बोली भैया? फ्रॉड, और फ्रॉड में तो सब आ जाएगा ना। सेकंड सिचुएशन क्या बोली? फसाट, मतलब दोगलापन दिखा रहे हो आप, मतलब फ्रॉड कर रहे हो। तीसरा, जनता के लिए कुछ फ्रॉड कर रहे हो। एक ही तो बात है, जनता ही थी पहले भी। पहले जब उन्होंने फ्रॉड बोला पहले पॉइंट में, तब भी कौन था? सरकार। भैया सरकार देख रही है आप जनता के लिए कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है चलिए, क्या चीज पॉइंट डी में क्या? मैं ये कह रही हूँ ये सब लैटिन वर्ड्स है, इसका मतलब क्या है? डी फैक्टो मतलब होता है कंट्रोल, इट्स केस नंबर है, केस नंबर। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर आपको याद हो मैंने बताया था ये ईयर होता है 1916। ठीक है, फिर ये क्या लिखा है? 2AC, और ये केस नंबर होता है पूरे साल भर 1916 में। फॉर एग्जाम्पल 2024 में बहुत सारे केसेस आए हैं, मैं कह रही हूँ 2024 में केस नंबर 120, मतलब जनवरी से जो भी केस चल रहे हैं आपका केस को नंबर क्या मिला है? 20। मेरे बाद जो नया केस आएगा उसको क्या मिलेगा? 121, 22, 23। तो ये ऑल दीज आर नंबरिंग, इन नंबर को आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है। केस के नाम पढ़ लो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उनके ईयर और उनके नंबर पर आपको याद नहीं रखना क्योंकि आपको सेक्शन नंबर याद करना है। तो कितने सारे नंबर से याद करोगे? ठीक है चलिए नेक्स्ट। ई समझ में आया क्योंकि है एग्जाम्पल बता रहे कि भैया आपने फ्रॉड करना था, वो फ्रॉड क्या है? टैक्स की चोरी करना। ठीक है नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ दी, आपने ये कंपनी बनाई और सोशल वर्क करने के लिए नहीं बनाई है। ठीक है, आप बस क्या कर रहे हो? गलत काम के लिए इसे बना रहे हो। बच्चों अलग तरीके से उन्होंने सेम बात बोली है, अलग तरीके से सेम बात बोली है। अवॉइडेंस ऑफ दी वेलफेयर ऑफ दी लेजिस्लेशन फाउंड सोल पर्पस फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी यूज इट रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाई दी। ये देखो ये है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया क्या? आपने कंपनी इसलिए बनाई ताकि वर्कमैन को बोनस ना दे सके। लॉ बोलता है, लॉ बोलता है कि आप अगर काम करवाओगे लेबर से तो उसको कितनी कितनी सैलरी देनी चाहिए, मिनिमम। हाँ मिनिमम वेज। ओवर टाइम कराओगे तो क्या मिनिमम देना चाहिए, और अगर काम करो तो भाई साल में एक बोनस भी तो बनता है। तो किसी ने कंपनी बस इसलिए बनाई ताकि क्या कर सके? बोनस उसका कम कर सके। लॉ जो बोलता है, लॉ बोलता है इतना तो देना पड़ेगा, लेकिन हमने कंपनी इसलिए बनाई ताकि हम क्या करें? लॉ को तोड़ सके। लॉ को तोड़ के क्या कर रहे हैं? लॉ ने बोला भाई मिनिमम फॉर एग्जाम्पल 500 तो देने पड़ेंगे दिन के, उसने 500 नहीं दिए, 200 दे दिए, 100 रुपये दे दिए। बच्चों बस एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बस बता रहे, क्या बता रहे कि किस तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, और इन इन सिचुएशन में हमने कॉर्पोरेट विल को क्या किया? लिफ्ट कर लिया है, और फिर हमने कंपनी को हटाया, और कंपनी के पीछे जिसने दिमाग लगाया उसको पकड़ा और उससे बोला भैया वर्कमैन का जितना बोनस बनता है दे दो। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा ना, ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? टैक्स की चोरी के लिए कंपनी हटाओ अलग, और जिसने ये ब्रेन लगाया उसको पकड़ो, और वो पूरा का पूरा क्या करेगा? अपने पॉकेट से टैक्स पे करेगा। बात समझ में आ रही है? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स। हाँ नेक्स्ट क्या लिखा है? अब्यूज मतलब मिसयूज। अब्यूज मतलब क्या होता है? मिसयूज। कंपनीज हैज मिसयूज इट्स कॉर्पोरेट पर्सनालिटी फॉर अनजस्ट। ठीक है, मतलब वो किसी भी तरीके से बस क्यों यूज करी है? ताकि लोगों के साथ क्या कर सके? अनजस्टिस कर सके। तो कुल मिलाकर अलग अलग सिचुएशंस में बस उन्होंने बताया कि कैसे कैसे गलत काम हुए, और इन सारे गलत कामों में क्या किया गया है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भूल गए हैं। हम ये मान रहे कंपनी और उसके मेंबर दोनों क्या है? एक। और वो मेंबर इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया जाएगा किसने ये ब्रेन लगाया, किसने ये दिमाग लगाया, और उसको फिर जेल में भेजा जाएगा, या फिर जहां कहीं भी उसने पैसे खाए तो वो पैसों की रिकवरी उस बंदे से की जाएगी, सबसे नहीं की जाएगी। रिलायंस कंपनी में तो भाई अनलिमिटेड लोग है ना, कितने लोग है? लेकिन भैया मैं तो क्यों बोला मैंने अनलिमिटेड, क्योंकि आगे भी वो नए शेयर इशू करेंगे तो आ जाएंगे ना नए, आज नहीं तो कल, तुम भी कल को अगर रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदोगे तुम भी आ जाओगे। ठीक है, तो भाई एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इतने सारे शेयरहोल्डर्स, भाई मैं तो यहाँ चुपचाप यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मुकेश अंबानी ने कुछ गलत किया तो भाई उसको पकड़ेंगे ना इन्वेस्टिगेशन में, मुझे थोड़ी ना पकड़ेंगे। तो
तुमको थोड़ी ना पकड़ेंगे। तो इन शॉर्ट मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, लेकिन दोनों को एक तब माना जाएगा जब वो क्या करेंगे, फ्रॉड करेंगे। लेकिन भाई फ्रॉड में भी उनको पकड़ा जाएगा जो एक्चुअल में अपना ब्रेन यूज कर, उनको नहीं जो चुपचाप बेचारे कुछ और काम कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट पर्पज से भाई पैसे लगाए थे, उनको भी पकड़ रहे पता चला। होगा क्या ऐसा? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? चलिए नेक्स्ट। कंपनी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस है। वो मेन डिफरेंस क्या है? कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर अलग है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या है? कंपनी सॉरी पार्टनरशिप फर्म में उसकी फर्म और उसके पार्टनर एक ही है। अगर ये डिफरेंस आता है तो सारे डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। चलिए एचयूएफ की बात करें। एचयूएफ क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? फैमिली बिजनेस, ठीक है। इसमें एक कर्ता होता है, बाकी के मेंबर्स होते हैं, बाय बर्थ ये लोग आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस आपको कंपनी से एकदम डिफरेंट होता है ये। चलिए एलएलपी एकदम नया कंसेप्ट है। व्हाट डू मीन बाय एलएलपी? ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। वेरी गुड। तो एलएलपी क्या है? कंपनी, प्राइवेट कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म, दोनों का एक मिक्स हाइब्रिड फॉर्म है। इसमें कंपनी के फायदे ले लिए, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या? सेपरेट आइडेंटिटी का। और पार्टनरशिप के भी फायदे ले लिए कि आसानी से लॉ इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, अग्रीमेंट के थ्रू आप बना लोगे, टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कंप्लाइंसेस कम हो जाएंगे ऑल टुगेदर, ठीक है। तो मेन डिफरेंस ये, तो ये सारे डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलिए नुकसान क्या है कंपनी बनाने का, जरा मुझे बताओ। पहला नुकसान क्या है? फॉर्मेलिटीज है और खर्चा तो ज़्यादा होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंपनी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये क्या है? पब्लिकली अवेलेबल है। आप यहाँ बैठे, वेरी गुड, यहाँ बैठे एमसी की वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। चैप्टर खत्म, एमसी की वेबसाइट दिखाऊंगी मैं और आप खुद निकाल लोगे सारी इन्फॉर्मेशन। जिसकी निकालना है, अमिताभ बच्चन की निकालनी है, शाहरुख खान की निकालनी है, जितनी कंपनीज है, कितनी कितनी कंपनी में डायरेक्टर मेंबर बने घूम रहे हैं, सबका सब पता चल सकता है, ठीक है, यहीं बैठे। तो इन शॉर्ट नुकसान क्या है? आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है? हर किसी को पता है, पब्लिकली अवेलेबल है, बस जाके वन क्लिक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सेपरेशन ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम द ओनरशिप। आपने अपना पैसा अंबानी को दे रखा है तो भाई रिस्क है ना, अंबानी का दिमाग रातों रात अगर चला गया तो आपके पैसे भी गए। मांग सकते हो क्या इक्विटी शोल्डर? रिटर्न मिलता है पैसा? बिल्कुल नहीं मिलता। नेक्स्ट, समाज सेवा भी करनी पड़ेगी। कंपनी का काम बस पैसा कमाना नहीं है, समाज के लिए आप क्या कर रहे हो? लॉ बोलता है समाज को भी कुछ 1% आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, टैक्स तो बहुत ज़्यादा लगेगा ही और कंपनी का वाइंडिंग अप का एक डिटेल प्रोसीजर होता है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें एक बार हमने फटाफट देख ली। हेडिंग है ये, क्या लिखा है? जर्नी, इंडियन कंपनी लॉ की जर्नी समझेंगे, ठीक है। मतलब पूरी सी हिस्ट्री, कुछ नहीं बस इंटरेस्टिंग है ना, पीपीटीज बस बना के रखी है मैंने। आओ समझते हैं थोड़ा सा कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट डू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन? मैनेजमेंट, पूरा पूरा मैनेजमेंट कंपनी लॉ का, ठीक है। चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो जानते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठने वाला सबसे हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आप सीएस, बीइंग अ सीएस कंपनी सेक्रेटरी, आप किसकी मिनिस्ट्री में आते हो? तो आपका पूरा लेना देना किससे? कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री में कौन बैठा है भाई? कौन है मिनिस्टर यहाँ का कॉर्पोरेट एमसीए का? क्या शॉर्टकट में एमसीए बोल सकती हूँ? ठीक है, डिफेंस का, एजुकेशन का, हेल्थ का, सबका है ना। तो आप बीइंग अ सीएस, आपका लेना देना इस वाले डिपार्टमेंट से होता है, ठीक है। अब एमसीए में मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। अब पीएम कोई भी रिपोर्ट मांगेगा तो किससे मांगेगा? निर्मला सीतारमन जी से मांगेगा, ठीक है। अब निर्मला सीतारमन को बोल दे भैया तुमको पूरा कॉर्पोरेट देखना है, ठीक। उसने कहा ठीक है भाई, पूरी इंडिया का कॉर्पोरेट मैं देखूंगी, मोदी जी आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछना। अब निर्मला सीतारमन भी पूरा इंडिया का अकेला देख सकती है क्या, बताओ? नहीं। उन्होंने क्या किया? अलग अलग रीजनल डायरेक्टर्स, रीजनल डायरेक्टर्स बोले तो रीजन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन्हें रीजन्स बोलते हैं। तो निर्मला सीतारमन ने बोला भैया ईस्ट में मैंने एक जगह बना दिया है, ईस्ट वाले लोग रिपोर्ट करेंगे निर्मला सीतारमन को, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रीजनल डायरेक्टर। तो रीजनल डायरेक्टर, रीजन्स अलग अलग है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो चार है। लेकिन कंपनी का काम इतना ज़्यादा हो गया है कि इन्होंने क्या किया? नहीं नहीं उन्होंने बोला चार रीजन तो है। ईस्ट में एक एरिया है कैलकटा,
ईस्ट में जितनी कंपनीज होगी उन सबकी रिपोर्टिंग कहाँ होगी? कैलकटा में होगी, और उसे हम क्या बोलेंगे? ईस्टर्न रीजन। बात समझ में आ रही है? ईस्टर्न रीजन बोलेंगे। साउथ में जितनी कंपनीज होगी उनकी रिपोर्टिंग कहाँ होगी? चेन्नई में, ठीक है। नॉर्थ में कहाँ होगी? न्यू दिल्ली में। और वेस्ट रीजन में कहाँ होगी? पहले चार ही होते थे, लेकिन काम इतना ज़्यादा बढ़ गया, कंपनी का लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने क्या बोला कि अब हम क्या बनेंगे? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन भी बनाएंगे। और ये कहाँ है? अहमदाबाद। साउथ ईस्ट में भी बनाएंगे, कहाँ है? हैदराबाद। नॉर्थ ईस्ट में भी बनाएंगे, कहाँ है? शिलोंग। तो इन शॉर्ट चार की जगह नहीं, अभी नहीं है, ज़रूरत होगी तो बनाया जाएगा, अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले तो इतने ही थे ना, वो डायरेक्शन होते हैं, एक और होता है, डायरेक्शन वाइज देखा जाएंगे, तो वर्कलोड के हिसाब से चीज़ें बनी है ना? तो अभी चौथा बना नहीं है, जल्द बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात समझिए, मोदी जी को रिपोर्ट कौन करेंगे? निर्मला सीतारमण। तो भाई ईस्ट में, ईस्ट में उन्होंने एक कैलकटा में बोल दिया कि ईस्ट में, जानते हो ना कितने सारे स्टेट्स हैं कैलकटा के आसपास, जितने सारे जो भी स्टेट्स हैं वो सब अपनी कंपनी की रिपोर्टिंग करेंगे कैलकटा में। अब निर्मला सीतारमण को ईस्टर्न रीजन में एक डायरेक्टर बैठेगा, मतलब वहां पे भी एक पोजीशन होगी, एक इंसान होगा जो रिपोर्ट करेगा सीतारमण को। तो ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट साउथ और नॉर्थ ईस्टर्न से ये पूरे अलग अलग कितने हो गए? टोटल 7 रीजन्स हो गए, चार नहीं है, कितने हैं? 7। तो ये सारे के सारे लोग रिपोर्ट करेंगे किसको? निर्मला सीतारमण को। और निर्मला सीतारमण किसको रिपोर्ट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को। किस रिगार्ड में? अगर मोदी जी को जानना है किसी बारे में, कॉर्पोरेट के बारे में। अगर उन्हें फाइनेंस के बारे में जानना है, अगर उन्हें फाइनेंस के बारे में जाना है तो फाइनेंस में बैठे मिनिस्टर से पूछेंगे, और उस मिनिस्टर ने भी क्या कर रखे हैं? ऐसे रीजंस बना के रखे। तो इन शॉर्ट में ये आपको बताना चाह रही हूँ, हर किसी का अपना रीजन होता है। अगर मैं बोलूंगी डिफेंस, उसका भी रीजन है, हेल्थ का उसका भी रीजन है, एजुकेशन का उसका भी रीजन है। बात समझ में आ रही है? तो पूरा जो स्ट्रक्चर चलता है पूरे इंडिया में, हर डिपार्टमेंट का ऐसा ही चलता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली किसका पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आप कंपनी से रिलेटेड हो ना, आप सीएस कहाँ बन रहे हो? कंपनी में। तो जब आप कंपनी में बनोगे तो आपको अपनी हिराची पता होनी चाहिए ना। लेकिन मैं कह रही हूँ बाकी सबकी भी ऐसे ही होती है, यहाँ भले ही बताया नहीं जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? पकड़न। चलिए अब इनके नीचे इन्होंने बोला क्या बना के रखी है। सबसे पहले उठ जाओ, ये पीएम आ गए, देन एमसीएम निर्मला सीतारमण आ गए, इन्होंने अपने नीचे क्या बनाया है? आरडी। आरडी का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल डायरेक्टर। और इन्होंने अपने नीचे क्या बनाया है? आरओसी। इन्होंने अपने नीचे क्या बनाया है? आरओसी। वापस पहले कौन आए? पीएमजी आए, फिर कौन आए? एमसी आए, फिर कौन आए? आरडी, फिर कौन आए? बात समझ में आ रही है? अब रीजनल डायरेक्टर बैठा है, तो ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में ऐसा बैठा है ना, तो मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। इन्होंने आरओसी क्या बोल दिया? हर स्टेट में बनेगा। आरओसी क्या बनेगा? हर स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल तुम हो जबलपुर में, तुम कौन हो? जबलपुर में बैठे हो, ठीक है। अब तुम्हारा जबलपुर एमपी में आता है, एमपी में एक आरओसी ऑफिस है, कहाँ है? ग्वालियर। एमपी में कहाँ है ऑफिस? एक ग्वालियर। तुम सीएस, तुमने आईटेक्स कंपनी बनाई, तुमने क्या बनाई? आईटेक्स कंपनी। इस आईटेक्स कंपनी की पूरी रिपोर्टिंग आपने किसको दी है? आरओसी को, ठीक है। तो जितने भी ईस्ट वाले जो आरओसी होंगे, वेस्ट वाले आरओसी होंगे, नॉर्थ वाले, साउथ वाले आरओसी होंगे, वो अपने अपने किसको देंगे? रीजनल डायरेक्टर रिपोर्ट देंगे। और वो रीजनल डायरेक्टर रिपोर्ट किसको देगा? एमसीए को देगा, मतलब निर्मला सीतारमण तक पहुंचेगा, और फिर ये कहाँ जाएगा? पीएम मोदी। पीएम मोदी का पूरा कैलकुलेशन जाएगा कि हाँ ये कॉरपोरेट अफेयर्स में क्या चल रही है, एमसीए, एमसीए के अंदर क्या क्या सिस्टम, कैसे कैसे चीजें चल रही है। बात समझ में आ रही है? राज्य समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या हो गया? पीएम, फिर क्या हो गया? एमसीए, देन आरडी, देन आरओसी। और आरओसी की पूरी रिपोर्टिंग करने वाला कौन है? तुम सीएस। आईटेक्स में मैं सीएस, इसकी पूरी रिपोर्टिंग कहाँ भेजती हूँ? आरओसी ग्वालियर में, ठीक है। फिर यहाँ से वहां जाता होगा, वहां से यहाँ जाता होगा, फिर वो उनके खुद के काम है। हमें फिर यहाँ नहीं पहुंचाना है, मुझे मोदी तक नहीं पहुंचाना है, मुझे बस कहाँ तक पहुंचाना है? आरओसी। मैंने आरओसी तक पहुंचा दिया ना, अब आरओसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्वालियर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई वो अपने रीजनल डायरेक्टर को पहुंचाए, फिर वो अपने एमसीए, फिर वो, मैं पूरी मोदी तक पहुंचने वाली नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है? अब आरओसी की अगर मैं बात करूं, ईच स्टेट, हर स्टेट में क्या है? एक आरओसी है। हर स्टेट में क्या है? एक आरओसी। एमपी की बात करूं तो एक ही आरओसी है। जितनी एमपी में कंपनीज बनेगी, इंदौर में कंपनी बनानी है, भोपाल में बनानी है, जहां भी बनानी है, सबका एक ही आरओसी। वो आरओसी कहाँ है? ग्वालियर। सबकी रिपोर्टिंग कहाँ होती है? ग्वालियर। आज कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, भैया कहाँ रिपोर्टिंग करो? आरओसी के पास बता दो। आज कंपनी वाइंड अप, कंपनी बंद होने का सोच रही है,
कंपनी बाय बाय करने का सोच रही है, कंपनी अपने प्लान को एक्सपेंड करने का सोच रही है, कंपनी कह रही है मुझे अपने मेमोरेंडम बदलना है, किसको बताओगे? आरओ से। पूरा चिट्ठा पूरी रिपोर्टिंग किसको होगी? आरओ से। आरओ से का फुल फॉर्म तो बताओ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां कंपनी को मेन रजिस्टर किया जाता है। कंपनी का नाम रजिस्टर कर दिया ना, अब कंपनी में जो कुछ हो रहा है ना सब आरओसी को बताने का, ठीक है? कंपनी ने छींक भी मारी तो किसको बताओ? आरओसी, कि छींक आ गई थी भाई इसको, तो आरओसी को सब बताने का। कंपनी की बैलेंस शीट कहाँ जाएगी? आरओसी। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अकाउंट से सब पढ़ते हैं ना, कहाँ जाएगी? आरओसी। बताना है कंपनी में इतने मेंबर्स हैं, ठीक है, इतने आए इतने गए, सब बताने का किसको? आरओसी। तो बींग अ सीएस आप आरओसी को रिपोर्ट करोगे, हर स्टेट में क्या है? आरओसी। अब सीएस तो भाई वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, ऑनलाइन काम है उसका पूरा का पूरा। तो आप इंडिया में जितनी भी कंपनी बना रहे हो, जरूरी थोड़ा यहीं की बनाओ, इंडिया में जितनी भी कंपनी बना रहे हो उस रिगार्ड में उस आरओसी को आपको भेजने का। हो सकता है आपको पास मुंबई के क्लाइंट हो सकता है भाई आपके दिल्ली के क्लाइंट हो, साउथ में केरला के आपके क्लाइंट हो, कहीं के भी क्लाइंट हो सकते हैं ना। तो हर आपकी कंपनी कहाँ की है उससे रिलेटेड जो उसका आरओसी होगा ना, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाएंगे। वो ऑनलाइन वेबसाइट आपकी कौन सी है? एमसीए, जो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? चलिए, लेकिन दो दो ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें एक आरओसी नहीं है। कितना आरओसी है? दो। क्यों होगा? क्या लॉजिक होगा बताओ जरा? बहुत ज्यादा कंपनीज होंगी ना वहां पर, एक आरओसी से काम नहीं चल रहा। जैसे मैंने आपको बोला कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, लेकिन जब काम ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं फिर, और चीजें को डिवाइड करते। तो हर स्टेट में एक आरओसी से काम चल रहा था, लेकिन दो ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कंपनीज का काम इतना ज्यादा है कि एक एक आरओसी से काम नहीं चल रहा, वहां पे दो दो आरओसी बने हुए। वो दो लकी स्टेट कौन है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु, याद रखने का। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, पहले बता दूं, मैं इसकी पीपीटी में आपको शेयर करूंगी, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन स्टिल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, महाराष्ट्र और क्या लिखा है? तमिलनाडु। महाराष्ट्र में क्या लिखा है? एक मुंबई में, जैसे एमपी की बात करो तो एमपी में एक ही ग्वालियर है ना, और वहां क्या बोलते हैं? दो आरओसी। पहला क्या लिखा है? मुंबई आरओसी और पुणे आरओसी, क्योंकि काम इतने ज्यादा है ना। तो प्रॉपर अगर ये स्टेट है, इस स्टेट में ऐसे बाइफर्गेशन कर दिया कि भाई इस एरिया की, बहुत सारे एरियाज होंगे ना, इस एरिया की जितनी भी कंपनीज होगी वो किसको रिपोर्ट करेगी? मुंबई आरओसी को, और बाकी किसको करेंगे? पुणे आरओसी, ठीक है? अब आप अभी सीएसईटी में एंट्रेंस लेवल में, एग्जीक्यूटिव में जब जाओगे तो स्पेसिफिक उन्होंने बता के रखा है, जैसे कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा है उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो मुंबई को रिपोर्ट करेंगे और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो पुणे को रिपोर्ट करेंगे, इतनी डिटेलिंग तक आती है। लेकिन अभी आपको नहीं जाना है, लेकिन जब आप सीएस बन जाओगे तब आपको घुसना पड़ेगा इन सब में, क्योंकि आपका क्लाइंट कहाँ का है ना, तो वो पता करना पड़ेगा। वो क्लाइंट जिस एरिया से बिलोंग करता है उसमें कौन सा आरओसी लगता है, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ तमिलनाडु। तमिलनाडु में दो आरओसी है, चेन्नई और कोयम्बतूर, याद रखना पड़ेगा। हर स्टेट में एक सिंगल आरओसी से काम चल रहा है, लेकिन दो ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें दो आरओसी है। स्टेट के नाम बताओ, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कौन कौन से? मुंबई एंड पुणे, और तमिलनाडु में याद रहेगा? चलिए, हाँ, बस यही दो हैं, इन दोनों को बोल दिया ना, बाकी सब क्या है? एक देखो, यूपी में ना कॉरपोरेट समझो, कॉरपोरेट समझो, स्टेट का साइज नहीं देखना एक्चुअल में, ठीक है? हम क्या देख रहे हैं? कंपनीज का काम, और कंपनीज का काम कहाँ ज्यादा है समझ जाओ? साउथ में ज्यादा है। कंपनी का काम कहाँ ज्यादा है? साउथ में, समझ जाओ क्या हिंट करना चाह रही हूँ। आपका स्कोप भी कहाँ ज्यादा होगा? अच्छा पे भी कहाँ है एक्चुअली में, मतलब वो समझते हैं जाना कहाँ है साउथ में, ठीक है? चलिए, हाँ बेटा, कुछ डाउट है इसमें? यूपी में नहीं है, साइज ही देखना है ना, पॉपुलेशन ही देखनी है, कॉरपोरेट देखना है। चलिए, अब वापस आते हैं, ये समझ में आ गया ना, अब थोड़ी जर्नी समझते हैं, कंपनी लॉ बना कैसे, ठीक है? ये क्या लिखा है? कंपनीज लेजिस्लेशन एक्ट, क्या लिखा है? 1844। ये क्या लिखा है मैंने आपका जो ये पैराग्राफ है ना, मैं बता दूं, ये सारी बातें मैं इसी में से बता रही हूँ, ये जो है ना, ये ठीक है, ये सब लिखा है, सब लिखा है, ठीक है? ये इन इंग्लैंड, ये सब बस मैं आपको क्या करती हूँ, अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ाती हूँ, ठीक है? सारी चीजें, ठीक, बोरिंग तरीके से आपको पढ़ लेनी है, ये आज ही मिल जाएगी आपको, ठीक है? चलिए आ जाइए, आप में सब आ गए हैं क्या? अगर सब आ गए तो फिर मैं आप में दूंगी, अगर सब नहीं आए तो मैं स्टार्टिंग की पीपीटी दे दूंगी, है ना, आपके ग्रुप में। लेकिन प्लीज ट्राई करो, जल्दी जल्दी ऐप में आ जाओ, क्योंकि ऐप में ही सारे सब आ गए हैं, ऑलमोस्ट सब आ गए तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, क्या लिखा है? कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट 1844। तो आप खुद सोचो, हम तो भाई फंसे थे कहाँ?
अंग्रेजों के वश में थे, है ना, गुलाम बने फिर रहे थे हम। इंग्लैंड था जो सबसे पहले अपने अपने इंग्लैंड में, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, अपनी खुद की कंट्री में वो लॉ लेकर आया। उसने अपने लॉ का नाम क्या लिखा? कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट 1844। बच्चों वो उस समय जब हमें गुलाम बनाए घूम रहा था और अपने वहां लॉ बना रहा था, कंपनी लॉ, सोचो। तो सबसे पहला लॉ इंग्लैंड अपने वहां जो लेकर आया, कब लेकर आया? 1844 में। वो इंग्लैंड का लॉ है, इंडिया में नहीं था। फिर उसने कहा कि अपन ईस्ट इंडिया कंपनी, वही जो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो उसी लॉ के थ्रू बनी थी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, जो सबसे पहला फर्स्ट फर्स्ट एक्ट इन इंडिया, इंडिया में ये इंग्लैंड पहले अपने वहां लेकर आते, अपने देश में कब लेकर आते? 1844 में लाते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो इंडिया में भी लॉ बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी तो कंपनी बना रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब उन्हें ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना था तो उसके लिए लॉ चाहिए था। तो फर्स्ट इंडिया का एक्ट का नाम क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंपनी में, इंडिया में सबसे पहला जो कंपनी लॉ था वो क्या था, नाम बताओ, और प्लस कब आया था, कब आया था। तो पहले वो अपने देश में बनाते 44 में, और कितने साल बाद? 6 साल बाद। 6 साल बाद वो सोचते कि चलो इंडिया में भी बनाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करवाने हैं यहाँ पर अपने फायदे के लिए। देखो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया। हाँ, नाम यही था। तुमने देखा होगा कि तुम नाम जब देखते हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये टर्म सुना होगा तुमने जब 11th 12th में पढ़ रहे होंगे। क्यों सुना है? क्योंकि पहले नाम यही था। आज हम क्या पढ़ते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 ना, तो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, लेकिन पहले से कंपनीज एक्ट नहीं था। पहले नाम क्या था? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। क्यों बोला ज्वाइंट स्टॉक? एक होता है शेयर, एक होता है स्टॉक। जरा बताओ शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है? सिंगल होता है, और स्टॉक बल्क में होता है, बंच ऑफ शेयर्स बोल सकती हूँ, ग्रुप ऑफ शेयर्स बोल सकती हूँ। अब नाम देखो फिर से क्या लिखा है। ज्वाइंट कंपनी में क्या होता है? एक ही शेयर होता है क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पे नाम जो रखा गया था वो लिखा गया था ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850। 1850 क्यों नाम पड़ा ये तो समझ में आया, उस साल बना था, ठीक है। ये पहला इंडिया में आया। ऑब्वियसली कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट परफेक्ट नहीं होता। आज मैं कंपनीज एक्ट 2013 आपको पढ़ाऊंगी, आप बींग अ सीएस यही पढ़ेंगे और ये इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन कुछ सालों बाद ये भी तो परफेक्ट नहीं होगा, इसमें भी तो कुछ कमियां होंगी। लॉ क्यों हमेशा बदल जाता है? क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जमाना बदलेगा, चीज़ें मॉडर्न हो जाएंगी, ऐसे ऐसे आपके लॉ भी क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। तो याद रखना कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं होता है। उस टाइम पे ये लॉ बना था वो भी परफेक्ट नहीं था, उसमें बहुत कमियां थी। फिर उन्होंने बोला ओनली अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। उस टाइम पे क्या होता था? आज क्या पढ़ते हो कंपनीज एक्ट में कि मेंबर की लाइबिलिटी क्या? लिमिटेड। लेकिन उस टाइम पे कंपनीज बनी थी और लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, तो भाई कोई बनाने का सोचता ही नहीं था। हाँ, ये सारी चीजें धीरे धीरे आई हैं। आज जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म पढ़ रहे हो, ये बस ऐसे ही है। आज तुम गाड़ी चला लेते हो, गाड़ी चलाते हो, है ना, गाड़ी के जो टायर होते गोल होते, हिस्ट्री में क्या होता था, हमेशा से गोल बने थे क्या? पहले ऐसे बॉक्स बने थे, लोग ऐसे धक्का देते थे, बोलते यार बहुत मेहनत लग रही है। फिर उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा गोल बनाए, और गोल बनाए, और परफेक्ट बनाए। फिर गोल पत्थर को काट काट के बनाया जाता था, पत्थर को काट के गोल आकार दिया जाता था। आज के टाइम पे तुम क्या यूज करते हो? रबड़ की टायर यूज करते हो जो लंबे समय तक चलती है। तो ये सारे तुम जो वर्जन आज देख रहे हो, ये आज इतना अच्छा बना है, लेकिन इसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो क्या हमेशा से ऐसे था क्या? नहीं। तो कंपनीज एक्ट जब पहले आया तो नाम अजीब था उसका, और उसमें लाइबिलिटी मेंबर्स की क्या होती थी? अनलिमिटेड होती थी, ठीक है। हिस्ट्री, अभी बस हिस्ट्री देखो। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट फिर क्या आया? 1857। अभी भी अंग्रेजी है, अभी भी अंग्रेजी है, ठीक है। उन्होंने दो बाइफर्गेशन किए कि चलो एक कंपनी बनाते हैं क्या, लिमिटेड कंपनी, और दूसरी कंपनी क्या बनाते हैं, अनलिमिटेड कंपनी। तो 1857 में उनको सूझा कि चलो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी बनाते हैं, एक लिमिटेड और एक क्या है, अनलिमिटेड। ऑब्वियसली वो भी परफेक्ट नहीं था। उन्होंने अनलिमिटेड किसको बोल दिया था? ओनली अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी हो गया था, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे कवर नहीं होते थे। उनको बोल दिया भैया तुम्हारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। बच्चों कुल मिलाकर बहुत खिचड़ियाँ थी धीरे धीरे। पहले हर कोई अनलिमिटेड में था, फिर क्या बोला लिमिटेड अलग बनाएंगे और अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड बैंकिंग और इंश्योरेंस को भी इधर उधर कर दिया उन्होंने। अब कहानी की तरह बस सुनते जाओ। फिर क्या अब आया 1860, इन्होंने क्या बोल दिया, अनलिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी। बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया भैया तुमको ऑप्शन दे दिया, तुम लिमिटेड भी हो सकते हो और अनलिमिटेड भी। ऑब्वियसली ये एक्ट भी परफेक्ट नहीं था। देखो कब से चला रहा है वापस, सबसे पहला क्या बनाना था 1850। देखो ये 44 इंग्लैंड में था, इंडिया में नहीं था। इंडिया में पहला कौन सा आया?
1850, फिर चेंज हुआ 1857, फिर चेंज हुआ 1860, ठीक है, फिर आया 1866, द एक्ट कैंसिल ऑल द प्रोविजन, उन्होंने कहा भाई हटाओ सारी चीजें और नया बनाएंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, उसका रेगुलेशन देखेंगे, उसका वाइंडिंग अप भी देखेंगे। तो अब वाइंडिंग अप वाली चीज आई न्यू, कब आई? 1866 में। फिर 1930, अभी भी अंग्रेजों में ही है, अंग्रेजी ला रहे हैं सारे, याद रखना अंग्रेज ला रहे हैं, इंडिया में ला रहे हैं। द एक्ट डिफाइन द लॉ गवर्निंग द फंक्शन कंपनीज, इन्होंने कहा कि चलो कंपनी का काम होगा कमर्शियल होगा, प्राइवेट कंपनीज भी आएंगी। ये कब सूझा उनको? 1930, मतलब अभी तक कौन बना रहा था? सरकारी बना रही थी, ठीक है। वॉज रिकोगनाइज फर्स्ट टाइम इन द लॉ, ये सारी चीजें, प्राइवेट कंपनी भी आएगा, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने सोचना चालू किया 1930 में। फिर क्या किया 1936, द एक्ट इंट्रोड्यूस, इन्होंने बोला कि चलो एक डायरेक्टर सिस्टम बनाते हैं, आज डायरेक्टर इतनी आसानी से देखते हो ना, उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि चलो डायरेक्टर बनाते हैं, मैनेजिंग एजेंट बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे अगर कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होगी, गारंटिंग दी सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज को भी हम क्या करेंगे, प्रोविडेंट फंड तो समझते ना, फंड वगैरह कटना, पीएफ कटता है जो, ये सारी चीजें नई नई उन्होंने चालू करी, कब? 1936, लेकिन ये भी अंग्रेज कर रहे लेकिन इंडिया में कर रहे, ठीक है। चलिए फाइनली हमारा देश आजाद होता है और हम अपनी इंडिया में पहला आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट बनाते हैं, वो क्या 19। अब बच्चों दिमाग में ये आ रहा होगा यार इतने सारे ईयर्स याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे आपके लिए इतने सारे ईयर्स याद कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इकलौता चैप्टर नहीं जो आपको पढ़ना है, मुझे अभी अभी बहुत सारे लॉस पढ़ाने हैं, उसमें बहुत सारे ईयर्स पढ़ाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहला आपको 1850 याद रखना है। 1850 क्या था? जो इंडिया में पहली बार एक्ट बना था कंपनी से रिलेटेड, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट पूरा जो नाम था, इसमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में पहली बार कब आया? 1850 में आया। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार कब आया? ये आपको याद रखना है। और अभी फ्रेश कौन सा चल रहा है? ये 3 ईयर कंपलसरी आपको याद रखना है, बाकी जो अभी मैंने चिटपटे चिटपट पढ़ाए ये आपकी श्रद्धा है, याद कर लोगे तो 100 में से 100 आ जाएंगे, 200 में से 200 आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इसको याद करने में प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये 3 कंपलसरी है, इनको तो मैं बार बार आपको लर्न करवाती रहूंगी, लेकिन बाकी ईयर्स अगर आपको याद रखना है तो ये आपकी खुद की श्रद्धा है, मैं उस पर कोई बर्डन नहीं दूंगी, क्योंकि मैं दूसरी कंपलसरी चीजें आपको याद करवाना चाहती हूँ। बात समझ में आ गई? तो पहला इंडिया में कब आया? 18। आफ्टर इंडिपेंडेंस कब आया? और अभी फ्रेश कौन सा चल रहा है? और आए दिन अमेंडमेंट भी आते रहते हैं, ठीक है, डेली अमेंडमेंट आते हैं, लेकिन क्योंकि तुम सीएसईटी में हो इसलिए अमेंडमेंट वाली जो चीजें होती हैं वो आप पे थोड़ी सी कम एप्लीकेबल होती है, उसमें थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंस कम दिया जाता है, लेकिन जैसे आप एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल पहुंचोगे तो भैया अमेंडमेंट की तो बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अभी इंटरेस्ट निकालने के लिए बस ओवरव्यू दिया जा रहा है, वो कह रही कि भाई आपको अभी इतना अपडेट होने की जरूरत नहीं है। अपडेट किसको होने की जरूरत है? एग्जीक्यूटिव को, प्रोफेशनल को, आपको बस अभी बेसिक समझने, क्योंकि कंपनी लॉ का बेस है ना ये, तो अभी आपका, बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी कहानी है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। चलिए तो 1956 में पहली बार ये कंपनीज एक्ट हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस बनता है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, अभी तक तो कौन बना रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही थी। चलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, ठीक है, 1944, ये सब अभी अंग्रेजों के इसमें, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 पहली बार हम आते हैं और अपना खुद का इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। अब कभी भी कोई भी लॉ बनता है ना, तो लॉ बनने के पीछे ना किसी का हाथ होता है, वो हाथ किसका है? वो हाथ किसका है? कमिटी का। अब ये कमिटी तुम वो वाली कमिटी मत समझना, कमिटी का मतलब क्या होता है पहले इन जनरल बताओ, मैंने तुम लोग की अपनी कम्युनिटी बना दी, एक ग्रुप ऑफ पीपल, इनका कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे जिसको लीड कर रहा था, जिसको लीड करने वाला एक इंसान था, उसका नाम क्या था? HC बाबा। उसे लीड करने वाले का नाम क्या है? बाबा। फॉर एग्जाम्पल हम, मैं तुम लोग का एक ग्रुप बनाती हूँ, इस ग्रुप को मैं लीड कर रही हूँ, तो मैंने इस कमेटी का नाम क्या रख दिया? पिंगी कमेटी। तो पिंगी कमेटी क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का चेयरपर्सन, लीड करने वाला पर्सन मैं हूँ, तो जो लीड करता है उसके नाम पे कमेटी बन जाती है, ठीक है। तो एक बाबा जी थे, बाबा, ठीक है, इन बाबा ने पूरा का पूरा दिमाग लगाया कि हमें क्या बनाना चाहिए, कंपनीज एक्ट 1956 खुद का बनाना चाहिए जो कि इंडियन गवर्नमेंट का हो, क्योंकि अभी तक जो लॉ चल रहा था वो किसका चल रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए इस पूरे ग्रुप ऑफ कमिटी में कितने लोग बैठे थे? 12 लोग बैठे थे, ठीक है। ये कमिटी कब बनी थी?
1952 में बनी थी। अब देखो 1952 में कमिटी बनी, इस कमिटी ने वर्क किया और फाइनली कब 1956 में ये एक्ट बनाया। यहां तक चीजें क्लियर है? इंप्लीमेंट मतलब एक्ट बनके तैयार हो गया फाइनली, जैसे लोकसभा राज्यसभा तुमने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो पहले इस कमिटी ने, तुम वो ग्रुप हो कमिटी, तुमने लॉ बनाया कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट को ये लॉ सबसे सही लगना चाहिए, तो ये आपने अपना एक लॉ बनाकर लोकसभा को दिया, लोकसभा ने चेक किया सब बढ़िया है, राज्यसभा को दिया, राज्यसभा ने देखा सब बढ़िया है, प्रेसिडेंट के फाइनली साइन हुए और साइन होकर ये 1956 में एग्जिस्टेंस में आ गया और अब सबको ये फॉलो करना था, ठीक है। टाटा अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है, मतलब वो अंग्रेजों के जमाने में उसने लॉ बनाया, लॉ को फॉलो किया अगर अपनी कंपनी बनाई, तो जैसे जैसे लॉ बदलता गया वैसे वैसे उन्होंने अपनी कंपनी के भी लॉ धीरे धीरे अमेंड करते गए। आज वो 2013 भी फॉलो कर रहे हैं ना, आज कोई नया अमेंडमेंट आ जाए वो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब एक जे ईरानी रिपोर्ट है, जे ईरानी कमिटी, वापस जे ईरानी कमिटी, अगर मैंने यहाँ पे बोला बाबा कमिटी, तो बाबा कमिटी मतलब जिसने बनाया, क्या बनाया, कंपनीज एक्ट बनाया। फॉर एग्जाम्पल बच्चा मैं जीएसटी की बात करूंगी, जीएसटी सुनाना, जैसे जीएसटी को लेकर हम बोलते हैं ना, मेहनत किसने करी थी, कांग्रेस की सरकार ने करी थी, लेकर कौन आया, ठीक है, मनमोहन जी ने बहुत मेहनत करी थी, उनकी उनके अंडर में कमेटी बनी थी, उन्होंने ये सारे काम करवाए थे कि चलो करवाना है, तो कमेटी कांग्रेस की तरफ से थी वो पूरी की पूरी। लेकिन भाई लेकर कौन आया, बीजेपी, तो भाई टप्पा क्या लगा, मोदी जी का टप्पा लगा कि भाई इनकी सरकार में आया, लेकिन मेहनत बहुत टाइम की होती है। जैसे ये कब से मेहनत चल रही थी, 1950, और बीच में सरकार बदल गई तो भाई हम क्या करें, ठीक है। तो कमेटी ने क्या बनाया, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ऐसे ही जे ईरानी कमेटी थी, जे ईरानी कमेटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, इसमें चेयरमैन कौन बैठा था, मैंने आपको क्या बताया, जो चेयरमैन रहेगा उसी के नाम पे क्या बन जाएगी, कमेटी, ठीक है। तो डॉक्टर जे ईरानी कमेटी, हु वॉज दी फॉर्मर, क्या लिखा है, एमडी ऑफ टिस्को, को बारे में तो जानते ही हो, अभी तुम लोग 11th 12th में पढ़ के ही आए होंगे, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हमें ना पूरा का पूरा रीड्राफ्ट करना पड़ेगा कंपनी लॉ, कंपनी लॉ 1956 पुराना हो चुका है, इन्होंने बोला कि भाई 2013 लेकर आना चाहिए, और ये कहानी कब से चल रही है, 2004 से, 2004 में कमिटी बनी, इन्होंने रिपोर्ट कब तैयार करी, 2005 में, और तब से लड़ाई चल रही कि भाई नया लाना चाहिए, नया लाना चाहिए, कब आया नया, तो लॉ बनने में देखो कितना टाइम लगा, इतने साल लग गए, 8 साल, ठीक है। तो यहाँ पे बस उन्होंने यही बोला, तो फाइनली कंपनीज एक्ट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कंपनीज एक्ट 2013 लाने के पीछे कौन सी कमिटी थी, कमिटी का नाम क्या है, जे रानी कमिटी। 1956 कंपनीज एक्ट लाने के पीछे किसका हाथ था, किस कमिटी का था, एच सी बाबा, ये बात समझ में आ रही है। तो कमिटी के नाम पूछे जा सकते हैं, कमिटी में चेयरपर्सन, आपको कमिटी के नाम से पता चल जाएगा चेयरपर्सन कौन है, ये कमिटी कब बनी, पूरी की पूरी है ना कहानी यहाँ आपकी बुक में दे रखी है। अब आ जाओ फाइनली हम देख रहे हैं कंपनीज एक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं, याद रखना पड़ेगा, पूरे कितने सेक्शंस हैं, 470, और इन सेक्शन में कितने चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर। मैंने आपको पहले बताया सेक्शन नंबर इज लाइक अ पेज नंबर, अब आपकी बुक में पेज नंबर होते हैं और चैप्टर नंबर भी होते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगी 50 निकालो, तो जो पेज नंबर 50 होगा किसी किसी चैप्टर में आ रहा होगा, तो ऐसे ही टोटल सेक्शन 470 और कितने चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर्स, और क्या लिखा है, 7 शेड्यूल्स। सेक्शन समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ गया, अब मैं शेड्यूल की बात करूँ, शेड्यूल पूरी कंप्लीट लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट की बात करूँगी, तो आपका मेमोरेंडम कैसा बनना चाहिए, आपका आर्टिकल कैसा बनना चाहिए, शेड्यूल में गिवन होता है। तो शेड्यूल में पूरा इंडेक्स, पूरा पीछे आपने देखा हो बुक के पीछे टेबल दे दी गई है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिटेल लिस्ट दे रखी है, दैट वॉज शेड्यूल्स, दैट वॉज शेड्यूल्स, तो आपको ये याद रखना चाहिए। टोटल कितने सेक्शन, टोटल कितने चैप्टर्स, टोटल कितने शेड्यूल्स, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो चैप्टर के एंड में है ना, टेबल के फॉर्म में दी जा सकती है, लिस्ट के फॉर्म में दे दी जा सकती है, वो सब होते हैं आपके शेड्यूल्स। तो फाइनली जो कंपनीज एक्ट 2013 आप देखते हो ना बन गया, लेकिन ये पहले बिल, बिल कब बोलते हैं, जब चीजें इनकम्प्लीट होती है, ड्राफ्ट होती है, इस कमिटी ने बिल अपना लॉ बनाया, लेकिन ये अभी इसमें प्रेसिडेंट का ठप्पा नहीं लगा है, जब तक प्रेसिडेंट का ठप्पा नहीं लगता है तब तक हम इसे बिल बोलते हैं या फिर ड्राफ्ट बोलते हैं या फिर इनकम्प्लीट बोलते हैं। पहला कहाँ जाएगा, लोकसभा, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा, फिर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट, जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया ना उस दिन वो एक्ट बन जाता है।
अदरवाइज उसे जब तक एक्ट नहीं बनाया तब तक क्या बोलेंगे, बिल। तो कंपनी बिल 2012 पास हुआ, कहाँ पास हुआ, लोकसभा, 18 दिसंबर 2012 में। फिर राज्यसभा के पास गया कब, 8th ऑफ अगस्त 2013। फिर फाइनली प्रेसिडेंट ने साइन किया कब, 29th अगस्त 2013। और नोटिफाई किया फाइनली 30th अगस्त से कि अब पूरी इंडिया के लोग इस कंपनी लॉ को फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का। तो इसीलिए 2013, देखो काम बहुत लंबा है। जे जे रानी कब से लगी है, 2004 से बनी, 2005 में रिपोर्ट सबमिट करी, फिर धीरे 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 इतना प्रोसीजर जाके तब जाके आपका ये कंपनी लॉ बना है। हाँ यस, ये वाला याद करना है, इसलिए मैंने कहा था उसको छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। तो लोकसभा ने कब साइन किया, लोकसभा और राज्यसभा देखते रहते हो ना तुम लोग टीवी में, मुझे कुर्सी उठा के है ना, बेंच उठा उठा के मार रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, लॉ का डिस्कशन। तुमने पास किया लॉ रखा तो कहेंगे ये लॉ ठीक नहीं लग रहा है, इसको यहाँ चेंज करो, वो पूरा डिस्कशन इसी सब में होता रहता है, इसीलिए टाइम लगता है इतना पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब आपकी अगर मैं बुक में बोलूँ, बुक में ये सारी चीजें दे रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और ये है आपकी बाबा कमेटी दिख रही है, ठीक है, जे जे ईरानी दिख रहा है आपको। तो आपको यहां तक सारी चीजें पढ़कर आनी है, इंपॉर्टेंट कमिटीज दिख रही है ये छोड़ देना, इससे पहले का सब पढ़कर आना, ठीक है, समझ में आ रहा है, पक्का पक्का। और क्या, ये वाला भी, ये पूरी मैं पीपीटी से आपको सेंड करती हूँ। और ये दिख रहा है कंपनी बिल 2012, यहाँ पे वो सारी डेट्स आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है, ईरानी ने ये रिकमेंड किया था। चलिए तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।